द लल्लनटॉप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। एम्बुलेंस सड़क पर जा रही है, एम्बुलेंस को जो चला रहा है वो एसटीएफ का मेंबर है, जो बगल में बैठा है वो भी एसटीएफ का मेंबर है, पीछे वीरप्पन और उसके साथी बैठे हुए हैं। क्या चल रहा था सर? वो जो लास्ट आधा घंटा की एम्बुलेंस रवाना हो चुकी, फिर पता चला कि सलीम की स्पेलिंग गलत चली गई, वो मोमेंट अगर आप हमारे दर्शकों को बता सकें। अभी काफ़ी साल हो गया, अभी 2004 अक्टूबर 18 रात को करीब 9:30 बजे से लेके हम तैयार कर रहे थे फाइनल असॉल्ट के लिए। अंधेरा बहुत, एकदम न्यू मून का 4 दिन हो गया था, फिर भी मून नहीं देख पाया, कम्प्लीटली क्लाउडेड था। 4 पेड़, बड़ा बड़ा, इतना बड़ा पेड़, उसको पीछे हम पोजीशन लेके एक सैंड बैग के साथ एक गाड़ी, शुगर केन के साथ दूसरा गाड़ी, और उनके लिए हम इंतज़ार कर रहे थे। हमारा एक आदमी ऑर्डिनरी ऑयल केक सेलर का रूप में एक होटल में, ऑर्डिनरी विलेज होटल में बैठ के वैसे बहाना कर रहा था, जैसे खाना खा। उन्होंने, उनको इशारा मिला गाड़ी से, उस गाड़ी में कौन, जैसे आपने कहा कमांडर, वो गाड़ी का कमांडर एक दुराई, वेल्ला दुराई, जैसे हम लोग सुबह मिले थे 10 मिनट, हम कह रहे थे हमारा पुलिस पोस्ट का अंदर हमारा नीचे लोग, मतलब जो लोग हमारे नीचे ड्यूटी कर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, डीएसपी, उसमें कई लोग हीरो टाइप का बहुत लोग है, उस हीरो में एक है वेल्ला दुराई सब इंस्पेक्टर। ये एसटीएफ का ओरिजिनल आदमी नहीं था, हम बाहर से उनको इम्पोर्ट किया केवल 2 दिन पहले, उसे पहले 1 महीने पहले 1 दिन अंदर भेजा, लेकिन उस दिन कामयाब नहीं हुआ। फाइनली 16 को उनको बुलाया, 17 उनको फायर आर्म्स ट्रेनिंग दिया, फायर आर्म्स में बहुत अच्छा था, फिर भी शार्पन करने के लिए हेक्लर अंकोश सब मशीन गन, 9mm पिस्टल, 2-3 हथियार में ये गाड़ी में कमांडर बन के आ रहे थे। जब ये दुकान उन्होंने क्रॉस किया, वहाँ से इशारा उन्होंने दिया, उसका इशारा का मतलब ऐसा इशारा दिया, लेकिन वो डार्कनेस में उनको वाइट गाड़ी, सो इसलिए ऐसे करने से वो बैकग्राउंड में नहीं दे पाएगा, इसलिए गाड़ी के नीचे ऐसे किया, और गाड़ी का फॉग लैम्प, येलो कलर लैम्प ऑन था, और ऊपर का एम्बुलेंस का ब्लू कलर लैम्प रिवॉल्विंग। फॉग लैम्प का मीनिंग 4 लोग शामिल है, जितना लोग आना था वो लोग गाड़ी में आ गया। रिवॉल्विंग लॉक का मतलब है चारों के साथ हथियार है, लेकिन हथियार उनके साथ है। ये सिंपल सिग्नल कमांड हमने पहले बता के रखा था, छोटी छोटी, एक बड़ा ऑपरेशन एक दिन में, एक मिनट में भी खत्म हो सकता है, लेकिन प्रिपरेशन उसके लिए बहुत करना पड़ता है। ये सिंपल सिग्नल की वजह से बहुत दूर से 200-300 मीटर में पता चला 4 लोग अंदर है, पूरा 100% टीम अंदर है, उनका सारे लोग आर्म्ड है, इसलिए हम थोड़ा होशियार रहना चाहिए। ये सिग्नल के साथ वो नज़दीक आ रहे थे। हमारा हिंदुस्तान इतना स्ट्रांग नहीं है, इसलिए हमें अंग्रेजी में डिस्क्राइब किया चैप्टर 34 में, उस चैप्टर 34 में 10-11 पेज में जितना भी हम डिस्क्राइब किया, वो ये एकदम उस दिन हुआ था। जब उस दिन के बारे में हम अभी भी सोचने की हम कोशिश करते हैं, जैसे हमने 5-6 मूवी एक साथ देखने का वो टाइप का इम्प्रेशन है, एक साइड में दूसरा एक्टिविटी, उस साइड में दूसरा एक्टिविटी, और गाड़ी धीरे धीरे नज़दीक। वो गाड़ी रिसीव करने के लिए हम ट्रैफिक कोन, ऑरेंज कलर कोन, जो लूमिनस कोन कहते हैं, वो रात को वो लाइट में इट विल बी विजिबल, 8 cones वे केप्ट, एग्जैक्ट पार्किंग वॉज शोन, द ड्राइवर स्टॉप देयर, देन वी अनाउंस्ड विल यू सरेंडर। इट इज वेरी वेरी ड्रामेटिक मोमेंट, I think I have tried to describe it. सर सच्ची मुच्ची में बोलते हैं, हेड साहब पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर रखा है। हमने मैक्सिमम जितना भी लॉ के अंदर, जितना भी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी कहते हैं, वहां तक हम खिड़की खोल के जितना भी खोलना है उतना खोल दिया, ये मैं कह सकता हूँ। सो वी वेर ओके विद द लॉ, बट सिंस इट वॉज नॉट कम्प्लाइड वी हैड टू रेस्पॉन्ड। एक क्विक सा जवाब, जब आपको ये इल्हाम हो गया, इट वॉज कन्फर्म नाउ ही इज डेड, डिकेट्स का वेट, प्लानिंग, कितने लोग मारे गए, कितने लोग शहीद हुए, व्हाट वाज द एग्जैक्ट फीलिंग, मतलब कितना टाइम लगा ओवरकम होने में और जस्ट टू गेट बैक टू नॉर्मल? इट वाज फर्स्ट थिंग वाज थैंकिंग द प्रोविडेंस, जैसे इन्होंने कहा ज्योतिष का, हम ज्योतिष का ऊपर पूरा टैक्टिक्स और मैजिशियन के ऊपर
हम टैक्टिशियन है, मैजिशियन नहीं है, फिर भी अगर इसके वजह से थोड़ा सा 10% 2% 1% का हमारा फौसला, हमारा बुलंद, हमारा मोरल, हमारा मोटिवेशन इंप्रूव होगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है। हम भी, हमारा भी एक इंसिडेंट हुआ था, इसमें 18th, पता नहीं ये कितना लोग करेक्टली प्रिडिक्ट करते हैं, डॉक्टर जैसे आपका डॉक्टर मेरा नहीं सूट होगा, मेरा डॉक्टर इनको नहीं सूट होगा, ये टाइप का कभी कभी ज्योतिष में भी, कभी कभी प्रिडिक्शन में भी प्रोबेबिलिटी चांस। हमारा प्रोबेबिलिटी अच्छा हुआ उस दिन, अच्छा। उन्होंने दिया 18th बहुत अच्छा दिन है। हमारा बीच में भी जैसे इनका एसटीएफ में, हमारा एसटीएफ कई लोग कहीं डिफरेंट डिफरेंट ज्योतिष कंसल्ट करते थे, लेकिन हम पूरा उसको नहीं मानते थे। जो सेलेक्टिवली अगर हमने एक ऑपरेशन प्लान कर दिया, वापस विद्रॉ नहीं करेंगे, लेकिन अगर चांस है, ऑप्शंस है, हम ऑप्शंस को हम यूज करते थे।